नमस्कार प्रतीक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जनरेशन की क्लासेस। कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो किस प्रकार से है, कैसे हम एक लकड़ी का जो कंप्यूटर था अवाकस जिसका नाम था, उससे लेकर आज हम किस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉनिक वाली जो कंप्यूटर जो हम इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो उसमें बहुत सारी कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं वो चेंज हुई, उन्हीं के साथ साथ जो कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुए, जो उनके सामान चेंज हुए, आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। अगर कंप्यूटर का आप कोई भी पेपर देने जाते हो तो उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे रेंडमली हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर पूछ लिया गया कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था, है ना, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर क्या लगाया गया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे फंस जाते हैं जिनका आंसर हमारे पास नहीं होता है, तो वही आंसर आज क्लियर करते हैं। और यहाँ पे आज हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्यूटर की पांचों जो जनरेशन हैं उनके बारे में देखेंगे और उनमें क्या क्या चेंजेस हुए उनको विस्तार रूप से समझेंगे। बाकी का मैं कोशिश करूंगा थोड़ा लोकल लैंग्वेज में समझाने की, जिससे थोड़ा तुम लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर था वो पहले कुछ इस प्रकार का दिखता था। देख लीजिए पहले जो हमारा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन, वो कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से थी, और जो आज हम यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर की जनरेशन कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमको क्या दिखता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और जो टेबल के नीचे रखा रहता है अपना सिस्टम यूनिट के नाम से हम जिसको जानते हैं, बस वो है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, कैसे इनकी शुरुआत हुई। तो देखिए जो हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब से कब तक थी, 1942 से 1955 तक, मतलब 1942 से 1955 तक रही थी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। तो जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी वो कुछ इस प्रकार से दिखती थी। अब जो हमारी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो जो कंप्यूटर की हमारी पहली पीढ़ी थी उसकी स्पीड नैनो सेकेंड में मापी जाती थी, सॉरी मिली सेकेंड में नापी जाती थी। मिली सेकेंड जो कंप्यूटर की पहली जो पीढ़ी थी उसकी स्पीड किस में मापी जाती थी, मिली सेकेंड में मापी जाती थी। और जो कंप्यूटर के लिए जो हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। कौन सी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें। उसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ी चेंज हुई, बहुत सॉरी उसमें जो बहुत सारे बदलाव आते गए उस हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज करते गए, वो हम देखेंगे आगे किस प्रकार से है। बाकी की जो पहली पीढ़ी थी उसमें मेमोरी के लिए पंच कार्ड का यूज हुआ, किसका यूज हुआ, पंच कार्ड का, किसकी तो लिए, मेमोरी के लिए। तो जो मेमोरी कंप्यूटर में जो मेमोरी के तौर पर आज हम लोग यूज करते हैं हार्ड डिस्क, SSD, तो पहले वो नहीं थे। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन जो मतलब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें हम लोगों ने किसका यूज किया था, पंच कार्ड का यूज किया था, पंच कार्ड का, ठीक है ना। और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी, लैंग्वेज वो कौन सी थी, पहले मशीनी लैंग्वेज थी, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को सिर्फ पहले क्या आता था, ओनली 0 और 1 आता था, जिसको हम बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, बाइनरी डिजिट, जिसको हम बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसको कौन सी भाषा आती थी, सिर्फ मशीनी भाषा आती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर का वो था वो पूरा इस प्रकार से था। और जो हमारा कंप्यूटर है इसमें फर्स्ट, पहले जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम था भैया कौन सा, बैच प्रोसेसिंग कौन सा था, बैच प्रोसेसिंग नाम से, बैच प्रोसेसिंग नाम से हमारा क्या था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था उसका नाम क्या था, बैच प्रोसेसिंग नाम था उसका, ठीक है ना। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ और मेमोरी के तौर पर पंच कार्ड का यूज हुआ, किसका यूज हुआ, पंच कार्ड का यूज हुआ। और वहीं हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें मशीनी लैंग्वेज थी और कंप्यूटर में सिर्फ क्या आता था, 0 और 1 आता था, जो जिसको हम बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड में मापी जाती थी, ठीक है ना। बात करते हैं सेकेंड जनरेशन पे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखते थे। और जो हमारी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 तक, ये कब आई थी, 19 जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी थी वो 1942 तक, 2 से शुरू हुई थी
और 1955 तक खत्म, और 1955 से फिर शुरू हुई क्या कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन, और जो कि कब तक रही 1964 तक, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे क्या हुआ, काफी सारे डेवलपमेंट हुए, और जो हमारा पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उससे ये काफी ज्यादा चलने में स्पीड में तेज थे, और जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उससे सस्ते भी थे हमारी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, है ना। और इसकी स्पीड जो सेकेंड उसका वो था, इसकी स्पीड माइक्रो सेकेंड में नापी जाती थी, माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड किस में मापी जाती थी, माइक्रो सेकेंड, जो हमारे दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी स्पीड माइक्रो सेकेंड में मापी जाती थी, और जो पहली पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर थे उनकी स्पीड किस में मापी जाती थी, मिली सेकेंड के अंदर। तो इसमें यहाँ पे स्पीड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, माइक्रो सेकेंड में हमारी स्पीड नापी जाने लगी। और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रिसिटी पर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को हटाकर और किसका यूज किया गया, यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, किसमें किया गया, सेकेंड जनरेशन के अंदर। और यहाँ पे पंच मेमोरी के लिए, किसके लिए, मेमोरी के लिए, मेमोरी के लिए पंच कार्ड को हटाकर, किसको हटाकर, पंच कार्ड को हटाकर मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, किसका यूज किया गया, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, किसके तौर पर, मेमोरी के तौर पर, किसके तौर पर, मेमोरी के तौर पर। और यहाँ पे जो हमारी कंप्यूटर जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसकी भाषा थी मशीनी भाषा, उसको हटाया गया यहाँ पे। फिर दूसरी पीढ़ी के अंदर कौन सी भाषा आ गई, असेंबली लैंग्वेज आ गई, कौन सी भाषा आ गई, असेंबली लैंग्वेज आ गई। इस भाषा को निमोनिक भाषा भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे जो हमारी सेकेंड जनरेशन थी उसमें हमारी क्या आ चुकी थी, असेंबली लैंग्वेज आ चुकी थी। और जो हमारी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारे जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसका नाम क्या है, टाइम शेयरिंग। पहला कौन सा था, बैच प्रोसेसिंग, पहली जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था, बैच प्रोसेसिंग। अब जो दूसरी कंप्यूटर के जो दूसरी जनरेशन कंप्यूटर है उनमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, टाइम शेयरिंग, ठीक है ना। पहले था बैच प्रोसेसिंग, दूसरा है टाइम शेयरिंग। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें कुछ इस प्रकार से था, और इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम पहले मिली सेकंड में नापते थे कंप्यूटर की स्पीड फर्स्ट जनरेशन में, अब हम यहाँ पे माइक्रो सेकंड के अंदर, द्वितीय जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की इसकी स्पीड माइक्रो सेकंड के अंदर मापने लगे थे। और भी कई सारे सुधार आए इसमें, ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसमें जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ वो कौन कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ इसमें, तो इसमें देखिए कंप्यूटरों का जो निर्माण हुआ, IBM 1401, NCR 304, इसमें जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ, कंप्यूटर वो कौन कौन से थे, IBM 1401 और NCR 304, NCR 304, इन कंप्यूटरों का स्पीड में क्या हुआ, निर्माण हुआ था। और जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी थी उसमें कौन कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तो वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर का निर्माण जो हुआ वो कौन कौन से हुआ, तो इसमें यूनिएक, सॉरी एनिएक और यूनिवेक का, एनिएक, एनिएक और यूनिवेक, यूनिवेक, एनिएक और यूनिवेक, इन दोनों कंप्यूटर का निर्माण हुआ था कौन सी जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में। दूसरी जनरेशन में किसका निर्माण हुआ था, दूसरी जनरेशन में IBM 1401 और NCR 304, इन दोनों का निर्माण हुआ था कौन सी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में। चलो आइए हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो देखिए हमारी जो थर्ड जनरेशन थी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। अब हमारा कंप्यूटर कहीं हद तक एडवांस हो चुका था, ठीक ठाक तरीके से उसको काफी, मतलब जो जिस प्रकार से हम आज काम करते हैं उस प्रकार से तो नहीं, लेकिन कहीं ज्यादा हद तक हमारा सुधर चुका था। तो ये कब तक चला, 1964 से लेके 1975 तक। हमारी जो फर्स्ट पीढ़ी थी वो 1942 से 1955 तक, और 1955 से 1964 तक सेकंड पीढ़ी। अब थर्ड पीढ़ी है 1964 से 1975 तक, याद रखिएगा 1964 से 1975 तक कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी चली थी। और जो कंप्यूटर की हमारी तीसरी पीढ़ी थी इसका कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखता था, ये कंप्यूटर का मॉनिटर, ये कीबोर्ड, इस प्रकार से हमारा कुछ कंप्यूटर दिखता था, ठीक है ना। अब इसमें जो जो चीजों का यूज हुआ वो किस प्रकार से है, तो देखिए सबसे पहले इसकी स्पीड और ज्यादा फास्ट हो गई, इसकी स्पीड जो है वो कहीं हद तक और ज्यादा फास्ट हो गई। पहले हम मिली जो हमारी मिली सेकंड में स्पीड थी उसको नापते थे जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें, और दूसरी जनरेशन में हम माइक्रो में उसकी स्पीड नापी जाती थी। अब हम उसकी स्पीड किस में नापेंगे, नैनो में, नैनो सेकंड। अब जो हमारी तीसरी पीढ़ी थी इस तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो स्पीड थी वो नैनो सेकंड में मापी जाने लगी, किसमें मापी जाने लगी, नैनो सेकंड के अंदर मापी जाने लगी, ठीक
क्या, कंप्यूटर की स्पीड। तो यहाँ पे कहीं ज़्यादा, कहीं हद तक दूसरी पीढ़ी से हमारा बहुत ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट हो चुका था, काफ़ी अच्छी तरीके से कार्य करने लगा था। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांजिस्टर को हटाकर यहाँ पे आईसी का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? आईसी का। आईसी मतलब क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते थे, तो पहले हम क्या यूज करते थे? यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज करते थे। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर को हटा दिया था। यहाँ मैंने हमने किसका यूज करना शुरू कर दिया था? आईसी का यूज करना शुरू कर दिया था। और जो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी की जगह पर मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे यूज करने लगे थे। यहाँ पे मैंने जो इमेज लिया हुआ है वो हार्ड डिस्क का लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हार्ड डिस्क का यूज अभी नहीं हुआ था। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज हुआ था। एक मैग्नेटिक जो हमारी एक तरीके से मान के चलो जैसे मैग्नेटिक तरीका आ गया था, मैग्नेटिक तरीके से हमारे यहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता था, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी जिसको हम कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही दर्शाने के लिए मैंने सिर्फ हार्ड डिस्क का इमेज लिया है, बाकी हार्ड डिस्क यहाँ पे अभी नहीं आई थी, ठीक है ना। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आ गया था? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था रिमोट, रिमोट प्रोसेसिंग डाटाबेस, रिमोट प्रोसेसिंग डाटाबेस। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो रिमोट प्रोसेसिंग हो चुका था। और यहाँ पे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज आ चुकी थी? हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, अब उनको हाई लेवल लैंग्वेज आनी शुरू हो गई थी। और हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले कौन सी थी? फोर्टन और कोबोल। ये क्या थी? कंप्यूटर की पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो इस प्रकार से थी, ठीक है ना। ये था हमारे कंप्यूटर के तीसरी जो जनरेशन थी उसके बारे में। यहाँ पे जो कंप्यूटरों का निर्माण हुआ वो कौन कौन से कंप्यूटरों का निर्माण हुआ? देखिए जो हमारी कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन जो है, थर्ड जनरेशन में क्या था कि हमारे जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी ज़्यादा हद तक एडवांस हो चुके थे, पहले से ठीक ठाक काम करने की स्थिति में आ चुके थे। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर बनाए गए वो IBM 360, PDP-8 और PDP-11। कौन कौन से? IBM 360, IBM 360, IBM 360, IBM 360, IBM 360, PDP-8, PDP-8, PDP-8 और PDP-11, PDP-11। ये क्या थे? कंप्यूटर के जो थर्ड जनरेशन थी इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारे जो कंप्यूटर थे वो एडवांस हो चुके थे। तो यहाँ पे IBM 360, PDP-8 और PDP-11 का निर्माण किया गया था। ये कंप्यूटर इसमें बनाए गए थे, क्या? कंप्यूटर, ठीक है ना। और इस प्रकार से हमारा जो थर्ड जनरेशन थी वो काफ़ी हद तक एडवांस हो चुकी थी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी जो कंप्यूटर की थी वो कब से कब तक रही? 1975 से 1989 तक। देखिए जो हमारी पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर की वो 1942 से 1955 तक, जो दूसरी पीढ़ी थी वो 1955 से 1964 तक, और जो तीसरी पीढ़ी थी वो 1964 से 1975 तक, और जो चौथी पीढ़ी थी वो 1975 से 1989 तक रही थी। चौथी पीढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। चौथी पीढ़ी में हमारा कंप्यूटर को जिस प्रकार से हमें दिखने लगा था, नॉर्मली जैसा आ जाता है उस प्रकार से, इसमें भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। यहाँ पे हमारा जो आईसी थी, आईसी को हटा के हम यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लगे। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यहाँ पे हम जो आईसी थी उसको हटा के जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है हम उसका यूज करने लगे थे। और यहाँ पे देखिए जो हमारी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी थी उसको हटाकर हम यहाँ पे विंचेस्टर डिस्क नाम से, जो हमारा पहले बहुत मशहूर था हार्ड डिस्क से पहले, किस नाम से मशहूर था? विंचेस्टर डिस्क नाम से, विंचेस्टर डिस्क नाम से, जो हमारी हार्ड डिस्क से पहले। विंचेस्टर डिस्क का मतलब है एक के ऊपर एक, जैसे मान लीजिए एक लेयर हो गई, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ी हुई है, उसको बोलते एक के मतलब एक के लिए ऊपर एक जो लेयर चढ़ी उसको बोलते विंचेस्टर डिस्क, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे विंचेस्टर डिस्क का यूज हुआ। और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कौन कौन सी आ गई? डोमेन बेस लैंग्वेज, लैंग्वेज जो हमें देखने के लिए मिली फोर्थ जनरेशन में वो कौन सी थी? डोमेन बेस आधारित भाषा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, JSP, जावा सर्वलेट पेज। क्या? जावा सर्वलेट पेज। SQL, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये सब क्या थी? कंप्यूटर की जो हमारी लैंग्वेज थी वो थी। और जो हमारा कंप्यूटर था वो कई हद तक ज़्यादा फास्ट काम करने लगा था। अब हमारे जो कंप्यूटर थे इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाने लगा था इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर। लैंग्वेज डोमेन बेस आ चुकी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें था वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हमारे कंप्यूटर में सब कुछ एकदम गोरा चिकना बढ़िया दिखने लगा था, GUI। अब इसमें किसका यूज होने लगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे
ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आ गया, जीयूआई। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जीयूआई का यूज करने लगे थे, और इसके अंदर जो कंप्यूटर के निर्माण हुए वो कौन कौन से हुए, फोर्थ जनरेशन के अंदर कंप्यूटरों के जो निर्माण हुए, वो कौन कौन से हुए, तो देखिए जो इसमें हुए आईबीएम 4341 और डेक 10, आईबीएम 4341 और डेक 10, ये दोनों क्या थे, ये कंप्यूटर इन जो फोर्थ जनरेशन थी इसमें इन दोनों कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। और जो कंप्यूटर की हमारी जो फोर्थ जनरेशन थी उसकी जो स्पीड थी, जो फोर्थ जनरेशन की जो स्पीड थी उसको हम किस में नापते थे, पीको सेकंड में, फोर्थ जनरेशन की जो स्पीड थी उसको हम किस में मापते थे, पीको सेकंड में मापा जाता था, ठीक है ना। तो ये सब था हमारा चौथी पीढ़ी, जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी उसके बारे में, ठीक है ना। तो जो हमारी चौथी पीढ़ी थी काफ़ी ज़्यादा हद तक एडवांस हो गई थी। और अब हमारी सबसे लास्ट और अंतिम जो अभी चल रही है उसका नाम है कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन, जिसको हम पांचवी पीढ़ी के नाम से जानते हैं, जो कि 1989 में आ चुकी थी और अभी तक ये रन कर रही है। क्या रन कर रही है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, और इस पीढ़ी में भी हमने कई ज़्यादा सुधार किया, अब तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आंधी की तरह चलने वाले जो हमारे कंप्यूटर थे वो इस प्रकार से आने लगे थे, और इसमें हमने कई ज़्यादा हद तक हमने अब सुधार किया था अपने कंप्यूटर के अंदर, और अब तक हम इसको यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या आता है, माइक्रो प्रोसेसर को हटाकर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर को इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए माइक्रो प्रोसेसर को हटा के हमने यहाँ यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस चिप का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे, यूएलएसआई का इस्तेमाल करने लगे, और यहाँ पे विंचेस्टर डिस्क को हटाकर, यहाँ पे हमारी जो अदर स्टोरेज डिवाइस थी वो सारी आ गई, जिनको हम बड़ी अच्छी खासी तरीके से जानते हैं, जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गई, है ना, इंटरनल मतलब अलग से जो हम हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं, फ्लॉपी डिस्क, और अब तो एक और आ गई है, क्या नाम है जिसका, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, अब हम उसका भी यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये सारी स्टोरेज डिवाइस आ गई किसकी जगह पे, विंचेस्टर डिस्क की जगह पे, कौन सी जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में। और यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो सबसे एक्स्ट्रा चीज आई, जो सबसे अच्छी चीज आई वो यहाँ पे क्या आई, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्या आ चुकी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी कौन से में आई, जो हमारे फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें आई, और इनमें एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, जो हमारा क्या बोलते हैं सर्विस जो है वो हॉस्पिटल हो गए, और जो गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, और भी एंटरटेनमेंट के उसमें किया जाने लगा, बहुत सारी जगह पे हमारे जो कंप्यूटर था वो अब यहाँ पे मतलब, हालांकि ठीक है जो फिफ्थ जनरेशन थी इसमें अभी भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो जनरेशन है वो इसकी अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब एआई चल रहा है, क्या चल रहा है, एआई, जब एआई से बढ़कर कुछ आएगा तो इसको चेंज किया जाएगा यहाँ पे, बाकी का यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई थी फिफ्थ जनरेशन में, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यहाँ पे चेंज किया गया था, और यहाँ पे हमारी मेमोरी के लिए चेंज कर दिया गया है, और भी हमारी जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो अभी भी किसमें नापी जाती थी, यहाँ पे भी कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो किसमें मापी जाती है, पीको सेकंड में, किसमें मापी जाती है, पीको सेकंड में, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है उनकी स्पीड, फोर्थ में भी पीको सेकंड था, फिफ्थ में पीको सेकंड, पहले वाले में था मिली सेकंड, दूसरे वाले में था माइक्रो सेकंड, तीसरे वाले में था हमारा क्या बोलते हैं मिली माइक्रो नैनो, नैनो सेकंड, और जो हमारे फोर्थ जनरेशन था उसमें था पीको सेकंड, और फिफ्थ वाले में भी हम किसमें नापते हैं कंप्यूटर की स्पीड को, पीको सेकंड के अंदर मापते हैं। और यहाँ पे जो अलग आया वो क्या आया एक्स्ट्रा, यहाँ पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इस प्रकार से हमारे कंप्यूटर का सफर था। आज भी तुम लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, अब सेवंथ जनरेशन, नाइन्थ जनरेशन, इलेवंथ जनरेशन, टेंथ जनरेशन, ट्वेल्थ जनरेशन, कंप्यूटर बहुत सारी जनरेशन बना दी है। किया क्या जा रहा है कि जो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन थी, कंप्यूटर की जनरेशन वही है, चेंज क्या किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर में एसएमपीएस यूज करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई आईसी यूज करते हैं, या फिर मान लीजिए कुछ मेमोरी वगैरह कोई भी हम यूज करते हैं, उसका साइज इतना बड़ा है, क्या है, उसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, अरे नई जनरेशन बना देते हैं, इसका साइज छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसका साइज छोटा कर देते हैं, लो बन गया हमारा क्या, नया जनरेशन। क्या हो रहा है अब कंप्यूटरों में, तुम लोगों ने देखा होगा पहले कंप्यूटर काफ़ी बड़े आते थे, अब कंप्यूटर छोटे छोटे आए दिन छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो जो उनका अंदर का सामान है उसको तुम छोटा कर रहे हो, उसको चेंज नहीं कर रहे हो, है ना।
तो अभी तक चली आ रही है 5th जनरेशन, लेकिन तुम लोगों को बस यही सुनने को मिलेगा 11th जनरेशन ले लो, 12th जनरेशन ले लो, 10th जनरेशन ले लो, 9th जनरेशन ले लो। जनरेशन कुछ नहीं है, सामान को छोटा किया जा रहा है, कंपनियां नई नई बन रही हैं, अपने रिकॉर्डिंग सामान लगा रही हैं, लेकिन जो जो कंप्यूटर की नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो तभी बन पाएगी जब AI को मार दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हटाकर कुछ नया लाया जाएगा, कंप्यूटर में कोई बड़े चेंजेस किए जाएंगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर हम USI को हटा के कुछ और लगाने लगे, मेमोरी को हटाकर जो हमारी स्टोरेज डिवाइस हैं हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, USB है ना, वो USB डिवाइस एनी अदर स्टोरेज डिवाइस, इन सबको हटाकर कुछ नया लाएं, तब हम जानेंगे कि हाँ हमने विकास कर लिया है, हम कंप्यूटर की 5th जनरेशन से आगे निकल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो चल रही है वो कौन सी चल रही है, कंप्यूटर की 5th जनरेशन, क्योंकि जो सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर लगी आती हैं वो यहीं आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए USI, स्टोरेज डिवाइस के लिए ये सारी स्टोरेज डिवाइस हैं, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो जो अभी तक की कंप्यूटर की जनरेशन है 1989 से आई है 5th जनरेशन, और अभी तक ये रन कर रही है, कंप्यूटरों को छोटा 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 करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं कर पाया है जिससे हम इन सब चीज़ों को हटाकर कुछ नया लगा सकें उसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारी कंप्यूटर की जनरेशन है वो अभी 5 ही मेन जनरेशन है, बाकी को जो सामानों को छोटा करके बनाया जा रहा है वो कंप्यूटर की बहुत सारी जनरेशन है, मतलब इस प्रकार से तैयार करती जा रही है, लेकिन वास्तविकता में वो जनरेशन नहीं कहलाएंगी, वो तो सामान को हम छोटा करते जा रहे हैं। तो वास्तविकता में कंप्यूटर की जनरेशन है वो किस प्रकार से चेंज होंगी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर यहाँ पे USI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को हटाकर कुछ और लगाएं, मेमोरी में हार्ड डिस्क, SSD, USB, पेन ड्राइव वगैरह ये सब को हटा के कुछ और लगाएं, यहाँ पे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हटाकर हम कोई नई अलग शुरुआत करें, तब हमारी क्या होगी कंप्यूटर की जो 5वीं जनरेशन थी हम उसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थी हमारी कंप्यूटर की 5ों जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना, जो कि कुछ इस प्रकार से आई थी। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, यहाँ पे जैसे जो हमारी 1st जनरेशन थी वो 1942 से कब तक रही थी, 1955 तक। सेकेंड जो थी वो 1955 से 1964 तक, और जो 3rd जनरेशन जो थी वो 1964 से 1975 तक, और जो कंप्यूटर की 4th जनरेशन थी वो 1945 से वो सॉरी 1975 से 1989 तक, और जो कंप्यूटर की 5th जो लेटेस्ट जनरेशन जो अभी चल रही है वो 1989 से अब तक के लिए रन कर रही है, ठीक है ना। इनको याद रखिएगा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, बाकी की आपको हमारे चैनल पे पृथ्वी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारी जल्दी लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं, बाकी धीरे धीरे आने वाले समय में आप लोगों को कोशिश करेंगे सारी क्लास आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाए, बाकी का मैं धीरे धीरे और कुछ चेंजेस कर रहा हूँ थोड़े बहुत, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी, थोड़ा बहुत और समय के साथ साथ जो क्लासेस हैं उनमें तुमको अच्छी तरीके से सीखने के लिए मिलेगा। मेरी ज़्यादातर यही कोशिश रहती है किसी भी लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आए, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हो या फिर थोड़ी अपर लेवल की लैंग्वेज हो, आप लोगों को समझ में आना चाहिए चीज़, इस चीज़ पर देखो जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो हमारी लैंग्वेज जो मेंटेन करती है वो इस चीज़ पर नहीं करती, कि अगर मान लो मेरी लैंग्वेज अलग है आप लोगों को जो समझ में ही नहीं आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं चाहता हूँ आपको आपके तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है ना। सबका तो ऐसा भी नहीं है कि सबके समझ में, देखिए कंप्यूटर की अगर नॉलेज तुम थोड़ी बहुत भी रखते हो या फिर शुरुआत से हो, मान के चलते हैं आप शुरुआत से हो, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा करके अगर चीज़ों को समझते हो तब भी आप आगे जाकर, कंप्यूटर का तो काफ़ी ज़्यादा समय चल रहा है इस टाइम, बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कंप्यूटर की सारी क्लासेस अवेलेबल करने के लिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।